नमस्कार, सिरी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमला बोला है। जी हां, फेसबुक पोस्ट कर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, बिहार के 40 में से 39 एनडीए सांसदों और 5 केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़कर बिहारवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस संकट की घड़ी में वे जनता के किसी काम नहीं आ सकते। केंद्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय इत्यादि के माध्यम से ऑक्सीजन, डॉक्टर की व्यवस्था कर रही है, लेकिन बिहार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तेजस्वी ने एक अन्य ट्वीट में लिखा है, क्या नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार जनित स्वास्थ्य आपदा के वक्त भी केंद्र सरकार से जरूरी मदद नहीं मांग सकते, या केंद्र उनकी हैसियत और साख देख सहायता नहीं कर रहा? नीतीश जी, स्थिति स्पष्ट करें। बिहार एनडीए के कुल 48 सांसद क्या झाल बजा रहे हैं? क्या छुपकर चुप रहने के लिए जनता ने इनको चुना था? कोरोना से बिहार में बिगड़ते हालात पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है। यहाँ पर रोज हजारों मरीज सामने आ रहे हैं। इससे लोगों के बीच भय का माहौल बना हुआ है, साथ ही रोज कई लोगों की मौत भी हो रही है। हालांकि सरकार और कोरोना वॉरियर्स दिन रात संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में बिहार में सबसे ज्यादा 7487 कोरोना के मामले मिले हैं। वहीं मौत के आंकड़ों ने भी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राज्य में 24 घंटे के भीतर 41 लोगों की कोरोना से जान चली गई है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा मामला है। जानकारी के मुताबिक पीएमसीएच में 6, एनएमसीएच में 8, जबकि एम्स में 3 और अन्य अस्पतालों में भी कई मरीज काल के गाल में समा गए हैं। तो बिहार की स्थिति काफ़ी भयावह हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।